हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी तपड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक विशेष प्रकार के फंक्शन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है रिकर्सन फंक्शन। क्या नाम है? रिकर्सन फंक्शन। इससे पहले मैंने आपको जो फंक्शन वाले वीडियो मैंने आप लोगों के अपलोड किए थे वो थे आपके नॉर्मल फंक्शन, यानी फंक्शन के प्रकार थे जिसमें मैंने आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, और साथ साथ में मैंने बताया था आर्ग्यूमेंट के आधार पर भी क्या फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। आज के इस वीडियो में अपने देखेंगे केवल रिकर्सन फंक्शन के बारे में, ये रिकर्सन फंक्शन होता क्या है। देखो स्टूडेंट, रिकर्सन फंक्शन क्या होता है? रिकर्सन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो अपने आप को ही बार बार कॉल करता है। यानी ऐसा फंक्शन बनाओगे जिसमें आप क्या करोगे, अपने आप को ही बार बार क्या करोगे, कॉल कराया जाता है। ऐसे फंक्शन को आप क्या करोगे, रिकर्सन फंक्शन कहोगे। जैसे मान लीजिए अपने क्या एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया है इंट, इंट क्या है इसका रिटर्न टाइप है, और मान लीजिए ऐड आपका फंक्शन का नाम है, और इसमें मैं पैरामीटर यूज कर रहा हूँ विशेष प्रकार का, और ये आपने फंक्शन यहां से स्टार्ट हुआ, आपने फंक्शन की कोडिंग यहाँ पे की, और मैं क्या करूँ फंक्शन के अंदर क्या करूँ, मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ फंक्शन के अंदर क्या करूँ, मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो इस प्रकार जो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, यानी फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, जिस फंक्शन को बनाया है उसी फंक्शन के अंदर क्या कर रहा हूँ, उसी फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहा जाएगा, रिकर्सन फंक्शन कहा जाएगा। रिकर्सन फंक्शन का यूज तब किया जाता है जब आप चाहते हो कि आप अपने प्रोग्राम में लूप का यूज ना करें, यानी आप लूप भी, लूप का काम और रिकर्सन फंक्शन का काम लगभग समान है, मतलब रिकर्सन फंक्शन आपकी लूप की तरह ही कार्य करता है। जिस प्रकार से लूप क्या करता है, बार बार किसी कथन को बार बार दोहराता है, स्टेटमेंट को बार बार दोहराता है, उसी प्रकार से जो रिकर्सन फंक्शन है वो भी क्या करता है कि कथन को या जो कोड का जो आपने फंक्शन लिखा है उसको बार बार क्या करेगा, दोहराएगा। जिस प्रकार से लूप पे भी क्या दी जाती है, कंडीशन दी जाती है, उसी प्रकार कंडीशन क्या नाम है, रिकर्सन फंक्शन में भी क्या दी जाएगी, आपकी कंडीशन दी जाएगी। तो अपने बोल सकते हैं कि रिकर्सन फंक्शन क्या होता है, रिकर्सन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो अपने आप को ही बार बार कॉल करता रहता है, तब तक कॉल करता है जब तक फंक्शन में दी गई कंडीशन क्या नहीं हो जाए, फॉल्स ना हो जाए, तब तक क्या रहेगा, अपने आप को वो बार बार कॉल करता रहेगा। आप रिकर्सन फंक्शन का उपयोग लूप की तरह भी कर सकते हैं। जबकि एक बात और है कि रिकर्सन फंक्शन की जो कार्य करने की क्षमता है, जो गति है, वो क्या है, तेज है। लूप की अपेक्षा क्या है, तेज गति से ये कार्य करता है। एक बात और कि रिकर्सन फंक्शन को यूज में लेने के लिए हमेशा कंडीशन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंडीशन का यूज किया जाएगा। अगर आप इस फंक्शन में कंडीशन का प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये फंक्शन आपका इन्फिनिटी टाइम यानी अनंत काल तक आपका ये प्रोग्राम या ये अपने आप को बार बार कॉल करता रहेगा। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है कि कंडीशन का प्रयोग किया जाता है। कंडीशन से क्या होता है कि इस फंक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। अपने इस फंक्शन को क्या करते हैं, एक प्रोग्राम के सहायता से समझते हैं कि अपने किस प्रकार से इस फंक्शन को लिखेंगे प्रोग्राम के अंदर। जैसे सबसे पहले लिखते हैं यहां पे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये तो आपकी क्या होगी, दो हेडर फाइल होगी, आईओ स्ट्रीम डॉट एच और कोनियो डॉट एच। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर केवल फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, सॉरी डिक्लेयर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं फंक्शन को केवल डिक्लेयर कर रहा हूँ, डिफाइन में मेन फंक्शन के नीचे करूंगा। आप चाहो साथ में भी कर सकते हो और आप चाहो तो अलग भी कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, उसको केवल क्या कर रहा हूँ, मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैंने लिखा लॉन्ग, लॉन्ग क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो क्या होगा, लॉन्ग होगा। लॉन्ग यानी कि ये जो मान जब रिटर्न करेगा वो लॉन्ग प्रकार का हो सकता है, हो सकता है कि आपने कोई ऐसी वैल्यू दे दी जो इंटीजर में नहीं आती हुई, यानी उसकी साइज से ज्यादा की है, तब आप क्या करोगे उसके लिए लॉन्ग का प्रयोग करोगे। इसलिए मैंने क्या लिखा, पहले से लॉन्ग का प्रयोग कर रहा हूं मैं। हाँ एक बात और कि मैं इस फंक्शन में क्या कर रहा हूं,
जो ये फंक्शन बना रहा है वो मैं किसके बना रहा हूँ, फैक्टोरियल संख्या ज्ञात करने का। किसके लिए? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल संख्या क्या होती है कि किसी, जैसे मान लीजिए आपको संख्या देते हैं उसका गुणनखंड, यानी जैसे मान लीजिए मैंने क्या दिया पांच, तो क्या कहेगा ये 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 2, यानी इसका जो निकालेगा उसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, फैक्टोरियल मान होगा। तो अपने क्या करेंगे कि फैक्टोरियल के लिए क्या कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का यूज कर रहे हैं या बना रहे हैं कि वो फैक्टोरियल संख्या किस प्रकार से आपकी निकलेगी। मैंने लिखा लॉन्ग, अब मैं लिखता हूं फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम जैसे मान लो फैक्टोरियल का प्रोग्राम, तो मैं क्या लिखता हूं उसके लिए फैक्ट। मैंने क्या लिखा? फैक्ट। और इसमें मैंने क्या कर दिया, मैं इसमें एक इंटीजर प्रकार का पैरामीटर में यूज में लूंगा, तो मैंने क्या लिख दिया इंट। मैंने यहां पर क्या किया, केवल डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया मैंने, मैंने केवल फंक्शन को क्या किया यहां पर डिक्लेयर किया है। अब मैं क्या लिख रहा हूं, मैं मैन फंक्शन अपने क्या लिखते हैं, चलो मैन इंटर में लगाता हूं, इंट लगाता हूं, इंट मैन, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन में क्या करूंगा, मैन फंक्शन के अंदर यूजर से इनपुट लेंगे इस फंक्शन के अंदर अपने, इसमें मैन फंक्शन के अंदर क्या लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे और उस इनपुट मान को अपने मैं क्या नाम है फैक्ट नाम के फंक्शन में भेजेंगे और वहां पर जो कैलकुलेशन होगा उसका आंसर अपने मैन फंक्शन में देखेंगे। तो इसके लिए क्या चाहिए, अपने को एक वेरिएबल की आवश्यकता है, तो अपने क्या करते हैं इसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मैंने कहा इंट, इसके लिए मान लो मैंने कहा नंबर नाम का एक वेरिएबल ले लिया, एनो नाम का मैंने क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यूजर से वैल्यू इनपुट करने के लिए क्या करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं एक मैसेज प्रिंट करता हूँ यूजर के लिए। मैंने कहा एंटर वैल्यू इन, मतलब आप इसमें मान दीजिए, जो यूजर मान देगा वो क्या होगा आपका सी इन फंक्शन क्या करेगा, इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। अब क्या करते हैं कि फंक्शन को कॉल करते हैं अपने, ये भी फंक्शन को अपने लिखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करते हैं यहाँ पर इसको फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल आप चाहो तो सी आउट के साथ भी कर सकते हो, चाहे अलग से भी कर सकते हो। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, सी आउट के साथ क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक नया तरीका जो आपको समझ में आएगा। मैंने लिखा यहाँ पे सी आउट, सी आउट लिखे मैं क्या मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ। मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ, ये तो क्या हो गया आपका मैसेज आ गया, मतलब किसका फैक्टोरियल देखना है, एनओ को देखना है, तो मैंने दिया एनओ। एक मैसेज और उसका होगा क्या, इज। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या किया जाएगा, फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या है, फैक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें क्या करूंगा, मैं पैरामीटर का मान भेजूंगा, मैं क्या करूंगा पैरामीटर का मान भेजूंगा कहां पे, फैक्ट नाम के फंक्शन में, यानी मैं कॉल बाय वैल्यू के हिसाब से क्या कर रहा हूं फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं, इसका मान भेजना मुझे एनओ का मान भेजना, मैं क्या लिखूंगा एनओ, मैंने एनओ लिख दिया और आपका ये फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया आपका कॉल हो गया। कौन सा फंक्शन, फैक्ट नाम का फंक्शन जो मैंने बनाया था वो क्या हो गया कॉल हो गया। अब ने इसमें केवल इतना करेंगे, मैंने इसमें क्या किया यूजर से वैल्यू इनपुट ली, उसमें सेव कर दी, मतलब डाल दिया इसके अंदर, और क्या मान आएगा फैक्टोरियल का यानी इस फंक्शन का वो अपने यहां पर देख लिया है। अब क्या करते हैं यहां पर गेट सी एच और रिटर्न जीरो, ये मैंने मेन फंक्शन यहां पे क्या हो गया आपका खत्म हो गया। अब क्या बनाते हैं अपने फैक्ट नाम का फंक्शन यहां पे डिफाइन करते हैं। मैं यहां पर डिफाइन, मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूं जिससे पता चल जाएगा आपको। मैंने लिखा लॉन्ग फैक्ट, इसमें जो वैल्यू ले रहा हूं मैं, मतलब पैरामीटर ले रहा हूं इंटीजर प्रकार का, उसका नाम मैंने मान लीजिए क्या दे दिया एक्स दे दिया, ठीक है। ये एक्स नाम का क्या है एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, यानी फैक्ट नाम का जो एक पैरामीटर मैंने ले लिया, जो सॉरी फैक्ट तो आपका फंक्शन है और एक्स नाम का मैंने क्या ले लिया पैरामीटर ले लिया, जो किस प्रकार का है इंटीजर प्रकार का है। अब इस फंक्शन में करना क्या है, इस फंक्शन में सबसे पहले अपने को देनी है कंडीशन, मैंने बताया था कि
रिकर्सन फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमेशा कंडीशन का प्रयोग किया जाएगा, नहीं तो आपका क्या होगा, रिकर्सन फंक्शन इनफिनिटी टाइम तक यानी अनंत काल तक आपका वो चलता रहेगा। इसलिए क्या इसको कंट्रोल करने के लिए कंडीशन दी जाएगी। मैंने लिखा इफ, क्या लिखा, एक्स बराबर बराबर जीरो, यानी एक्स का मान यदि जीरो होता है तो क्या होगा, वो रिटर्न क्या कर दे, एक कर दे, मतलब एक वैल्यू आपकी क्या कर दे, वो रिटर्न कर दे, ये आपका कंडीशन यहां पे खत्म। अब मैं क्या करता हूं, इसमें एक रिटर्न कीवर्ड का यूज और कर रहा हूं, वो रिटर्न क्या करेगा, आपके इस फैक्टोरियल मान का रिटर्न क्या करेगा, मेन फंक्शन में करेगा, जहां पे आपने फंक्शन को कॉल किया वहां पे क्या करेगा, इसके मान को रिटर्न करेगा, और आप जिससे क्या करेंगे, आप अपना आंसर देख पाएंगे। तो मैं लिखता हूं रिटर्न, रिटर्न में क्या कर रहा हूं, मैं फंक्शन को क्या कहा, मैं साथ में लिख देता हूं, मैं लिखता हूं यहां पे एक्स, ये आपका एक्स इंटू फैक्ट। अब ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे देखो मैं इस फंक्शन फैक्ट नाम के फंक्शन में क्या कर रहा हूं, मैं इस फैक्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। मैंने क्या किया, एक्स इंटू फैक्ट एक्स माइनस वन, और ये ब्रैकेट आपका बंद, ये वाला। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक विशेष कार्य हो रहा है, जो आपका टॉपिक है रिकर्सन फंक्शन का यूज कर रहा हूं, मतलब मैंने फैक्ट नाम का फंक्शन बनाया, उसी फंक्शन के अंदर मैं उसी फंक्शन को क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं, जो क्या कर रहा है कि आपके एक्स नाम के वेरिएबल में क्या करेगा, फैक्ट यानी जो आपका जो आप जैसे आपने मान लिया दिया पांच दिया, आपने क्या संख्या दी, मान लीजिए आपने सपोज आपने पांच वैल्यू एंटर यहाँ पे कराई, ठीक है, जब ये मान रिटर्न करेगा तो इसमें क्या एक्स में कितना मान हो गया आपका, पांच हो गया, तो ये जो फैक्टर संख्या क्या करेगा, एक्स माइनस वन क्या करेगा, यानी सबसे पहले पांच, फिर इंटू एक्स माइनस कम होगा चार, फिर एक और कम होगा इंटू तीन, फिर एक और कम होगा दो, फिर एक और कम होगा एक, इस प्रकार से जो गुणा होगी आपकी, मतलब इनके आपस में क्या होगी, गुणा होगी, गुणा होकर क्या करेगा, वो एक्स मान में आएगा, और वो क्या करेगा, एक्स मान आपका रिटर्न होकर कहां जाएगा, फैक्ट नाम के वेरिएबल में आ जाएगा, यानी ये क्या करेगा, इसको रिटर्न करके यहाँ पे भेज देगा। तो ये क्या हो गया आपका फंक्शन, यहाँ पे रिकर्सन फंक्शन आपका यहाँ पे यूज में हो गया, यानी मैंने उसी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया, तो अब क्या हो गया, ये आपका रिकर्सन फंक्शन हो गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, केवल रिकर्सन फंक्शन के बारे में बताया कि रिकर्सन फंक्शन क्या होता है, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, रिकर्सन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, या बोल सकते हो कि रिकर्सन फंक्शन एक ऐसा विशेष प्रकार का फंक्शन है जो अपने आप को क्या करता है, बार बार कॉल करता रहता है, और तब तक कॉल करता है जब तक फंक्शन में दी गई कंडीशन क्या नहीं हो जाए, फॉल्स ना हो जाए, तब तक क्या करेगा, ये अपने आप को कॉल करता रहेगा। रिकर्सन फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमेशा कंडीशन का प्रयोग किया जाता है, अगर आप कंडीशन का प्रयोग नहीं करोगे तो क्या होगा, ये इनफिनिटी टाइम तक आपका फंक्शन चलता रहेगा, यानी अपने आप को बार बार कॉल करता रहेगा और वो रुकेगा नहीं, मैंने यानी अनंत काल तक अपने आप को बार बार कॉल करता रहेगा। इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है कि कंडीशन का प्रयोग किया जाता है। कंडीशन आपकी अलग अलग हो सकती है, यहाँ पर जैसे मैं कंडीशन दे, मैंने कहा था कि एक्स बराबर जीरो, जैसे ही आपका एक्स मान जीरो होगा आपका क्या हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आपका क्या हो जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा, यानी ये रिकर्सन फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस वीडियो में आज इतना था रिकर्सन फंक्शन। आपको किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो के अंदर या इस टॉपिक पे, तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।